हाय एवरीवन, वेलकम टू सैन इनपोटेक। दोस्तों, आजकल हमें पीडीएफ फॉर्मेट डॉक्यूमेंट्स का यूज़ ज़्यादातर हम ऑनलाइन करते हैं। जैसे कि जॉब एप्लीकेशन करना है, किसी डॉक्यूमेंट मेल करना है, तो हम पीडीएफ फॉर्मेट का यूज़ करते हैं। तो ये पीडीएफ फॉर्मेट में हम जब डॉक्यूमेंट्स स्कैन करते हैं या पीडीएफ फॉर्मेट में कन्वर्ट करते हैं, तो ये ज़्यादातर हेवी डॉक्यूमेंट्स हो जाते हैं। और जितने भी जॉब एप्लीकेशंस है या कुछ मेल जो है, हेवी फाइल के लिए सपोर्ट नहीं करते, तो इसे हमें पीडीएफ फाइल को कंप्रेस करना होता है। तो ये फाइल कंप्रेस करना है या पीडीएफ फाइल में कुछ भी चेंजेस करना है, तो हम ऑनलाइन अगर टूल यूज़ करते हैं तो ये फाइल हमें अपलोड करके फिर से डाउनलोड कंप्रेस फाइल डाउनलोड करना होता है। तो ये सिक्योरिटी के इश्यूज़ भी इसके अंदर आते हैं। तो ऐसे ही हम एक ज़बरदस्त ऑफलाइन टूल के बारे में आज ये वीडियो में देखने वाले हैं। तो ये जो टूल है PDF24 टूल, ये आप ऑफलाइन उसे इसका सॉफ्टवेयर यहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हो। डाउनलोड करके इसे इंस्टॉल करके ऑफलाइन विदाउट इंटरनेट आप इसे यूज़ कर सकते हो। इसका लिंक जो है मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है। तो इसमें क्या क्या टूल्स हैं ये आज हम देखने वाले हैं। तो इसके अंदर ये सारे टूल्स अवेलेबल है, ये पूरा काम आप इसके अंदर ये टूल के अंदर कर सकते हो। जैसे कि मुझे ज़्यादातर यूज़ होता है तो कंप्रेस करना है, फाइल हेवी है तो उसे कंप्रेस अगर करना है तो अभी यहाँ से आप कंप्रेस कर सकते हो। इसके ऊपर क्लिक करो, फाइल चूज़ करो। यहाँ पर हम ये फाइल लेते हैं, तो इसका साइज़ जो है 6.87 MB है, इसे सेलेक्ट करते हैं। ओपन करो। ओपन करने के बाद आपको यहाँ पे इमेज क्वालिटी कैसी रखना है, कितना परसेंट रखना है, ये आप रख सकते हो। और जो भी कलर चेंजेस जो है, अगर आपको कलर है तो ग्रे में चाहिए तो आप ग्रे कर सकते हो। और DPI कितना रखना है ये भी आप चेंजेस कर सकते हो। इसका ये जे कंप्रेस फाइल के ऊपर इम्पैक्ट हो जाता है। तो मैं 75% लिए और यहाँ पर कंप्रेस के ऊपर क्लिक करना है। तो देखो, यहाँ पर अगर फाइल बड़ी है तो थोड़ा सा वक्त लेगा, लेकिन ये कंप्रेस करके देगा आपको। देखो कि ये 6.91 MB का फाइल था, ये 3.21 MB करके यहाँ पर कंप्रेस करके दिया है। आप इसे सीधा ईमेल भी कर सकते हैं और सेव कर सकते हैं, जो कि कंप्रेस फॉर्मेट में आपके सिस्टम के ऊपर आपका सेव हो जाएगा। तो ये ऐसा आप सिक्योरली यूज़ कर सकती है, टोटली फ्री टूल है। इसका कोई आपको पे करने की ज़रूरत नहीं है। सिक्योरिटी के बारे में, ये आपका ऑफलाइन यूज़ होता है, आपके सिस्टम के ऊपर ही ये यूज़ होगा। तो ये हमने कंप्रेस फाइल कंप्रेस करने के लिए देखा। अभी यहाँ पर हम होम के ऊपर जाते हैं। अब देखते हैं पीडीएफ फाइल मर्ज कैसे करना है। दो पीडीएफ अगर एक फाइल में मर्ज करना है तो आप यहाँ से कर सकते हैं। जैसे कि अभी मेरे पास ये सैंपल 1 और सैंपल 2 के दो पीडीएफ है, मुझे ये एक ही फाइल में करना है, तो हम यहाँ से कर सकते हैं। तो अभी यहाँ पर आपको मर्ज पीडीएफ के ऊपर जाना है, फाइल सिलेक्ट करना है, सैंपल 1 ओपन कर दिया, और यहाँ से आप फाइल दूसरा फाइल ऐड कर सकते हैं। एट अ टाइम दो बहुत सारे फाइल्स आप मल्टीपल फाइल्स भी सिलेक्ट कर सकते हैं। इसे ओपन कर दो। ओपन करने के बाद आपको यहाँ पे ये मर्ज कर देगा। मर्ज के ऊपर क्लिक कर दो, ये मर्ज हो गया। अभी यहाँ पर आप ये फाइल सेव कर सकते हो। जैसे कि मैं ये सेव कर देता हूँ, तो ये जो है ये मर्ज फाइल हम ओपन करके देखते हैं। जैसे कि अभी दो पेजेस पहले एक सैंपल 1 और ये सैंपल 2, ये मर्ज हो गए। तो इस तरह से आप दो और मल्टीपल डॉक्यूमेंट्स आप यहाँ से मर्ज कर सकते हो। नेक्स्ट ऑप्शन हम देखने वाले हैं ऑर्गेनाइज पीडीएफ। अगर पीडीएफ ऑर्गेनाइज करना है, अगर पीडीएफ के अंदर वो मल्टीपल पेजेस हैं, पेजेस अगर ऊपर नीचे आगे पीछे हो गए, तो आप इसे ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। जैसे कि अभी यहाँ से मैं ये फाइल यहाँ पे सिलेक्ट करके ड्रैग कर देता हूँ। ड्रैग करने के बाद आपको यहाँ पे फाइल डिस्प्ले हो जाएगा। अगर मुझे ये पेज जो है यहाँ पर लेना है, ये सेकेंड नंबर पे लेना है, तो आप ड्रैग करके सीधा यहाँ पर आप इसे ले सकते हो और ये मर्ज हो जाएगा। और यहाँ से आप सेव करके जो मॉडिफाइड डॉक्यूमेंट यहाँ पे, यहाँ से आप सेव कर सकते हो। अगर फाइल में ज़्यादा पेजेस है तो आप यहाँ से आप व्यूज़ भी चेंज कर सकते हैं, मीडियम पेज या स्मॉल। तो इस तरह से आप ये जो पेजेस है ये ऑर्गेनाइज कर सकते हो। नेक्स्ट ऑप्शन आता है एडिट पीडीएफ। पीडीएफ फॉर्मेट, पीडीएफ में अगर चेंजेस करना है, थोड़ा सा मुश्किल काम होता है, तो इसे एडिटर यूज़ करते हैं। जैसे कि यहाँ पर अभी एडिट पीडीएफ, उसके ऊपर आप क्लिक करो। जो भी फाइल के अंदर आपको चेंजेस करना है, जैसे कि मैं सैंपल 1 ये पीडीएफ फाइल लेता हूँ, और ये फाइल के अंदर अगर आपको चेंजेस करना है तो ये एडिटर ओपन हो जाएगा। आप जो भी चाहे चेंजेस कर सकते हैं। जैसे कि कुछ टेक्स्ट लिखना है तो आप टेक्स्ट लिख सकते हो,
तो यहाँ पर क्लिक करने के बाद आपको टेक्स्ट बॉक्स मिलेगा। टेक्स्ट बॉक्स के अंदर आप लिख सकते हो जैसे जो भी लिखना है आप लिख सकते हो, जैसे कि अलाइनमेंट लेना है, जैसे वर्ड प्रोसेसर का यहाँ पर ऑप्शंस पूरे दे दिया है। अगर इमेजेस आपको ऐड करना है तो ऐड पिक्चर यहाँ से आप सिलेक्ट करके कुछ इमेज पीडीएफ के अंदर डालना है, शेप्स लेना है तो ये शेप भी आप ले सकते हो, शेप भी डाल सकते हो। तो इस तरह से पीडीएफ फाइल जो है आप एडिट करके उसे यहाँ से आपको सेव करना है। नेक्स्ट ऑप्शन है कि कोई भी फाइल अगर आपको पीडीएफ फॉर्मेट में कन्वर्ट करना है तो आप ये ऑप्शन यूज़ कर सकते हैं, कन्वर्ट टू पीडीएफ। इसके ऊपर क्लिक करो, जो भी फाइल है आपका माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का है, एक्सेल का है, जो भी इमेज फाइल है, जो भी है, तो ये फाइल आप सिलेक्ट करो, ओपन करो और उसे कन्वर्ट टू पीडीएफ, ये पीडीएफ के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा और आप उसे सेव कर सकते हो। नेक्स्ट टूल जो है ज़्यादातर यूज़ होता है, जैसे कि कोई भी पीडीएफ फाइल का अलग दूसरे फाइल में अगर कन्वर्जन करना है, जैसे कि एक्सेल में करना है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में करना है, तो आप यहाँ से कर सकते हो। यहाँ पर क्लिक करो, फाइल सेलेक्ट करो, जो भी फाइल आपको कन्वर्ट करना है इसे आप ओपन करो। ओपन करने के बाद फाइल ओपन हो जाएगी, तो ये फॉर्मेट यहाँ पर दिया है कि टेक्स्ट फॉर्मेट में लेना है या एचटीएमएल फॉर्मेट या जेपीजी या पिक्चर फॉर्मेट या दूसरा जो है कि वर्ड पावर पॉइंट या एक्सेल में, जो भी आपको चाहिए। अगर टेबल्स है तो आप एक्सेल में ले सकते हैं। तो वर्ड में अगर कन्वर्ट करना है तो आप ये वर्ड फाइल करो, कन्वर्ट के ऊपर क्लिक करो, ये कन्वर्ट हो जाएगा। नेक्स्ट ऑप्शन जो है कि अगर पीडीएफ फाइल को प्रोटेक्ट करना है यानी पासवर्ड देना है तो आप यहाँ से कर सकते हो। जैसे कि क्लिक करो और यहाँ पर हम ये फाइल सेलेक्ट करते हैं सैम्पल वन, और सैम्पल वन सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर आपको पासवर्ड एंटर करना है। तो ये पासवर्ड आप जो भी आपको पासवर्ड डालना है ये आप डाल सकते हो। पासवर्ड डालने के बाद आप यहाँ पे प्रोटेक्ट पीडीएफ फाइल के ऊपर क्लिक करो, ये प्रोटेक्टेड फाइल आपको सेव करना है। यहाँ पर मैं सैंपल 3 एज अ प्रोटेक्टर, सैंपल प्रोटेक्ट ये नाम दे देता हूँ, फिर सेव करता हूँ। तो सेव होने के बाद यहाँ पर देखते हैं कि ये फाइल प्रोटेक्ट हुआ कि नहीं। तो अभी जैसे ही आप ओपन करते हो तो ये यहाँ पर आपको पासवर्ड डालने के बाद ही ओपन हो जाएगा। अगर फाइल लॉक है तो आप उसे अनलॉक भी कर सकते हो, अगर प्रोटेक्टेड है तो यहाँ से आप अनलॉक कर सकते हो। यहाँ पर क्लिक करो, जो भी फाइल प्रोटेक्टेड है उसे सिलेक्ट करो। सिलेक्ट करने के बाद प्रोटेक्टेड फाइल, जो भी प्रोटेक्टेड फाइल है आप उसका पासवर्ड एंटर करो। एंटर करने के बाद आप जो अनलॉक फाइल है कि उसे सेव करो। मैं यहाँ पर सेव करता हूँ, यहाँ प्रोटेक्ट अनलॉक इसे अनलॉक कर देता हूँ। तो ये जो नया फाइल अभी बन गया है तो ये अनलॉक फाइल ये डायरेक्टली ओपन हो जाएगा, यानी ये पासवर्ड रिमूव कर देगा। तो इस तरह से आप फाइल को अनलॉक कर सकते हो। नेक्स्ट जो है स्प्लिट करना है पीडीएफ, तो स्प्लिट के ऊपर क्लिक करो, फाइल सेलेक्ट करो। अभी यहाँ पर ये जो फाइल है ये इसे ओपन कर देता हूँ, और ओपन करने के बाद ये स्प्लिट के ऊपर क्लिक करना है। स्प्लिट के ऊपर फाइल लेने के बाद आपको यहाँ पे ये फाइल अगर 4 पेज की है तो पेज बाय पेज स्प्लिट करना है, हर एक पेज अलग अलग करना है या दो दो पेज अलग अलग करना है। 4 पेज की फाइल है और दो दो ऐसे आपको स्प्लिट करना है, तो यहाँ पे स्प्लिट के ऊपर क्लिक करो। अभी ये जो पेज है ये देखो, ये 2 पेज यहाँ पर आपको अलग अलग करके दिया है। नेक्स्ट जो है पीडीएफ फाइल के अंदर अगर फाइल पीडीएफ पेजेस रोटेट करना है तो रोटेट कर सकते हैं। फाइल सेलेक्ट करना है जैसे कि सैंपल 2, और यहाँ पर आपको ये जो फाइल है तो ये रोटेट आप कर सकते हो। जिस इस तरह से आप रोटेट जैसी भी चाहिए आपको आप रोटेट कर सकते हो और क्रिएट इसके अलग पीडीएफ फाइल बना सकते हो। किसी फाइल में से अगर कुछ पर्टिकुलर पेजेस डिलीट करना है तो आप यहाँ से रिमूव पेजेस कर सकते हो। सिंपली वही प्रोसीजर है, फाइल आपको सिलेक्ट करना है और सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे फाइल ओपन हो जाएगा, पेजेस आपको यहाँ पे डिस्प्ले हो जाएगी। जो भी पेज आपको नहीं चाहिए उस सिलेक्ट करो और उसे रिमूव कर दो। जैसे कि मैंने अभी ये 2 पेज सिलेक्ट कर दिए हैं, तो फाइल के अंदर सिर्फ ये जो हाईलाइटेड पेज है यही रहेंगे और इसका पीडीएफ आप अलग से क्रिएट कर सकते हो। किसी फाइल में से अगर आपको पर्टिकुलर पेजेस आपको एक्सट्रैक्ट करना है तो आप यहाँ से कर सकते हो। फाइल सेलेक्ट करो और ओपन होने के बाद आप यहाँ से जो भी पेजेस आपको चाहिए, अगर ये पेज चाहिए तो उसका अलग सा एक्सट्रैक्ट पेज के ऊपर क्लिक करो, इसका एक फाइल बन जाएगा, आप सेव कर लो। अगर किसी पीडीएफ फाइल में अगर आपको पेजेस अरेंज करना है, पेज सॉर्ट करना है, तो ये सॉर्ट पीडीएफ पेजेस के ऊपर क्लिक करना है, फाइल सेलेक्ट कर देना है और यहाँ पर आप पेजेस अरेंज कर सकते हो, यानी पेजेस जो है पेजेस का सीरियल जो है चेंज कर सकते हो। यहाँ पर ऐसे इस तरह से आप पेजेस पेजेस रख सकते हो, तो ये पेजेस का सीरियल आप
जैसी भी चाहिए सॉर्टिंग कर सकते हो, इस तरह ऑप्शन यूज़ कर सकते हो, जैसे कि बैक फ्रंट करना है या आगे पीछे करना है, तो आप ये करके इसे नया पीडीएफ बना सकते हो। जैसे कि अभी एक्सट्रैक्ट पीडीएफ में से कई इमेजेस एक्सट्रैक्ट करना है तो आप कर सकते हो, या आपको क्रिएट पीडीएफ जॉब एप्लीकेशन जो है तो ये भी यूज़फुल है, जो भी जॉब के लिए अगर एक बंच करना है आपको कवर लेटर का, पर्सनल डेटा शीट का, अगर अलग अलग अटैचमेंट है या जैसे कि सर्टिफिकेट्स है, तो आप ये फाइल ये कंबाइन करके एक फाइल उसका बना सकते हो। देन आपको ओसीआर पीडीएफ रीडर है, देन वेब ऑप्टिमाइज पीडीएफ अगर आपको क्रिएट करना है, पीडीएफ के अंदर वाटरमार्क डालना है, पीडीएफ के अंदर पेज नंबर डालना है। सो गाइज, इस तरह से आप ये टूल्स का यूज़ करके पीडीएफ में कुछ भी काम करना ये इजीली कर सकते हो। तो नीचे नीचे भी कुछ ये टूल्स दिए हैं कि जैसे कि आप पीडीएफ ओपन रीडर रीडर यहाँ पर दिया है, या प्रिंटर असिस्टेंट है, कोई भी फाइल अगर आपको प्रिंट करके या पीडीएफ में सेव करना है तो ये पूरे ऑप्शंस यहाँ पर, ये टोटली फ्री सॉफ्टवेयर है, आप इसे यूज़ कर सकते हो। सो गाइज, ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक करिए, शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ, और चैनल पे अगर आप नए हो तो चैनल सब्सक्राइब कीजिए।